नारी क्या ही नहीं कर सकती, एक नारी है जो बच्चा भी पैदा कर सकती है और नरसंहार भी कर सकती है। लड़कों का काम है, लड़कियां कर नहीं पाएगी, आपके अनुभव क्या कहते हैं? अगर आप में हिम्मत है तो आप कहीं पे भी कैसा भी काम कर सकते हैं, आप में खुद में कॉन्फिडेंस होना चाहिए। फ्री निकालने के लिए झगड़ा करता है, कोई शराब पीकर आ जाता है, कोई अपने आप को डॉन समझते हुए आ जाता है, तो ऐसी स्थितियों में लड़कियों के लिए मुश्किल नहीं होती है? यहाँ के लोग भी बहुत अच्छे सपोर्टेबल है और हमको ऐसे कोई दिक्कत नहीं है कि हम बाहर से आए, ऐसा हमको कभी फील नहीं करवाया है। लोकल वालों को तो कोई फोन करके कहता होगा ना कि अरे यार तुम यहाँ काम कर रही हो तो मैं आऊँ तो मेरी गाड़ी तो निकाल लेना। हमारी जो पूरी टीम है वो पूरी सपोर्टेबल है, हमको कहीं पे भी कुछ दिक्कत आती है तो हमसे हमारे साथ खड़े रहे। इन दिनों राजसमंद के दोनों तरफ से गुजरने वाला हाईवे, फिर चाहे आप उदयपुर से होते हुए गोमती की तरफ जा रहे हैं या फिर भीलवाड़ा, यहाँ जो टोल बूथ आते हैं यहाँ पर कुछ आपको महिला चेहरे दिखाई देते हैं। एक नारी सशक्तिकरण की एक ऐसी पहल इस प्रबंधन के द्वारा शुरू की गई है जिसमें बताया जा रहा है कि तकरीबन 40 महिलाएं यहाँ काम करती हैं। और अगर आपको लगता है कि ये सिर्फ आसपास के चेहरे हैं, यकीन मानिए ये राज्य से बाहर के चेहरे भी यहाँ काम कर रहे हैं और एक बड़ी जिम्मेदारी के साथ वो भूमिका निभाते हैं जिसे अमूमन माना जाता है कि ये सिर्फ पुरुष प्रधान कार्य क्षेत्र हैं। ये सब चेहरे हैं या आज इन्होंने बड़ी अच्छी डांस परफॉर्मेंस की है, पहले तो बहुत आपने अच्छा डांस किया है उसके लिए आपको धन्यवाद। जब डांस कर रहे थे आप लोग तब ये अनुमान नहीं लगा सकते हैं कि ये सभी टोल पर इतनी एक मुश्किल जॉब करते हैं, तो क्या टोल पर बैठना ज़्यादा मुश्किल है, क्या मुश्किल क्या ज़्यादा? दोनों मुश्किल नहीं है सर, नारी सशक्तिकरण है, दोनों में अच्छे से आता है। क्या नाम है आपका? आलिया सर, आलिया। कहाँ से हैं आप? मैं छत्तीसगढ़ से हूँ, छत्तीसगढ़ बिलासपुर से। छत्तीसगढ़ से आके आप राजस्थान में इतनी मुश्किल, तो ये टोल पे जो काम करते हैं अमूमन यहाँ यूँ माना जाता है कि सिर्फ लड़कों का काम है, लड़कियाँ कर नहीं पाएगी, आपके अनुभव क्या कहते हैं? सर ऐसी कोई चीज़ नहीं है जो महिला कर नहीं सकती, बस एक गाइडेंस की ज़रूरत है। यहाँ आने के बाद जो गाइडेंस मिला है, हम इसको मेल प्लेटफॉर्म मानते हैं बट यहाँ आने के बाद जो गाइडेंस हमें मिला है वो मेल से ही मिला है, तो उन्होंने हमें सिखाया है कि कैसे काम करना है, कैसे बातचीत करनी है। एक प्लेटफॉर्म होनी चाहिए सर और प्रॉपर गाइडेंस, बाकी कोई भी काम किसी के लिए भी छोटा। आपका क्या नाम है? मेरा नाम जैमिनी है, मैं गुजरात से हूँ। अच्छा, गुजरात से हैं आप, तो मुझे यूँ बताइए, वैसे गुजरात वाले तो जैसे अगर दिल्ली की तरफ देखते हैं तो गुजरात वालों के लिए कोई काम मुश्किल है ही नहीं वैसे इन दिनों, मगर टोल की बात करें तो लोग मानते हैं कि हर तरह के लोग आते हैं, कोई फ्री निकालने के लिए झगड़ा करता है, कोई शराब पीकर आ जाता है, कोई अपने आप को डॉन समझते हुए आ जाता है, तो ऐसी स्थितियों में लड़कियों के लिए मुश्किल नहीं होती है थोड़ी? जी बिल्कुल नहीं, काफ़ी मर्तबा ये होता है ना कि हम लोगों को प्रोअप किया गया होता है कि ऐसा होता है, एक्चुअल में ऐसा कुछ नहीं होता है। ये जो 100 में से 1% ऐसा होता है बट उसमें भी हम लोग उसको मेंटेन कर लेते हैं, ईजिली गोइंग हो जाता है और बस सिंपल सी चीज़ है, नारी क्या ही नहीं कर सकती, एक नारी है जो बच्चा भी पैदा कर सकते हैं और नरसंहार भी कर सकते हैं, तो वो सारी चीज़ें इजी हो जाती है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम चेतना मेरा है। ये जो कह रहे हैं वो सब सही है या वास्तव में? सही है, 101% सही है। कौन से टोल पे आप? मैं यही रूपाखेड़ा टोल पे हूँ। हाँ जी, मेरी पोस्टिंग यही है जी। कितने टाइम से काम कर रहे हैं आप यहाँ? मुझे यहाँ 2 साल होने आए। तो 2 साल में आपको लग गया कि आपको क्या लगता है कि क्योंकि आसपास की कई लड़कियाँ भी, अब उनके लिए भी एक नया क्षेत्र है, उनको कह सकते हैं आप कि आइए टोल पे बिंदास काम करिए, कोई दिक्कत नहीं? बिल्कुल, आप यहाँ आके काम कर सकते हैं, अपना प्रतिभा यहाँ दिखा सकते हैं आप टोल पे आके, और ऐसा नहीं है कि कोई भी लड़की बाहर से हो या यहाँ से हो, लोकल हो, उससे कोई नहीं। अगर आप में हिम्मत है तो आप कहीं पे भी कैसा भी काम कर सकते हैं, आप में खुद में कॉन्फिडेंस होना चाहिए और ब्रेव होना चाहिए। तो आज इस प्रोग्राम में इन चारों ने डांस किया था, तीनों वो एक ड्रेस से समझ गए होंगे कि चारों की एक टीम है, अब इन तीन से बात कर ली इनसे नहीं करूंगा तो ये नाराज हो जाएंगे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम भाग्यश्री है, मैं गुजरात से हूँ। अच्छा, गुजरात से हैं, बाहर से काफ़ी लोग यहाँ काम कर रहे हैं। जी सर बिल्कुल। राजसमंद और राजस्थान कैसा लगा? बिल्कुल बहुत अच्छा है, यहाँ के लोग भी बहुत अच्छे सपोर्टेबल है और हमको ऐसे कोई दिक्कत नहीं है कि हम बाहर से आए, ऐसा हमको कभी फील नहीं करवाया है, हमको अपनापन मिला। टोल पे आप काम करते हैं तो कोई ऐसे लोग आते होंगे ना कि ये एक ऐसा आ गया, राजस्थान और आसमान बहुत बढ़िया, ये एक ऐसा है जो अभी आएगा और कमीशन के लिए लड़ाई करेगा? नहीं नहीं बिल्कुल ऐसा कुछ भी नहीं है और हमारी जो पूरी टीम है वो पूरी सपोर्टेबल है, हमको कहीं पर भी कुछ दिक्कत आती है तो हमसे हमारे साथ खड़े रहे। चलो आखिर में एक मैं बात भी इसलिए कर रहा था, हल्की फुल्की बातें चलती रहती है, बात इसलिए कर रहा था कि यहाँ से एक मैसेज जाए कि कोई भी काम लड़कियों के लिए असंभव नहीं है, ये काम भी बखूबी कर सकती है। तो मतलब आप यहाँ से राजसमंद की, अब जो अगर कोई लड़कियाँ इस सेक्टर में सोचना चाह रही है तो उनको क्या कहना चाहेंगे आप? सर आप थोड़ा उधर पलटेंगे तो आप देखेंगे वो टीवी है। अच्छा, आप राजसमंद से ही हो क्या? हम यही लोकल ही है। तो लोकल क्या काम करने में मजा आ रहा नहीं आ रहा? बढ़िया सर, हमें देख के और भी लड़कियाँ प्रभावित हुई है, उनको भी वो भी कहती है हमें भी यहाँ काम करना है। ये तो डर तो नहीं लगता? शुरू में हमें आए, हमें लगा हम कैसे करेंगे, पर सर इन सब मैम का सपोर्ट मिला, इनको देख के फिर हमें भी प्रेरणा मिली, कोशिश की हमने भी। अच्छा, तो आप तो लोकल हो, ये तो चलो बाहर के हैं सब, आप ही लोकल हुई है, तो आप लोकल वालों को तो कोई फ़ोन करके कहता होगा ना कि अरे यार तुम यहाँ काम कर रही हो तो मैं आऊँ तो मेरी गाड़ी तो निकाल लेना? नहीं नहीं कहते नहीं कहते। आप कहाँ के हो?
पाल पालीवाल में यही है लोकल। अब यहीं क्यों मन लग गया यहाँ? जी सर। घर पे यूं दो रोप वोप जमाते हो कि किसी की गाड़ी निकालनी मेरे को कह देना? नहीं 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 नहीं। तो अच्छा काम है, कुल मिला कर सकते हैं लड़के? यस सर। ये देखिए आप, मैं यहाँ से इनसे बात करने का मेरा ये कारण ये था कि मैं चाहता हूँ कि ये जो नया सेक्टर है, दो चीज़ें यहाँ से निकल के आती है। एक तो महिलाओं के लिए कुछ भी असंभव नहीं है, इन्होंने बड़ी बेहतर तरीके से ये काम करके दिखाया। और दूसरा, अब जब आप इन टोल से गुजरें और यहाँ इन महिला चोरों को देखें, इन्हें कमज़ोर ना समझे, ऐसा ना समझे कि हम आराम से निकल जाएंगे। जैसा कि उन्होंने कहा है कि हम आदमी को पैदा भी कर सकते हैं तो नरसंहार भी कर सकते हैं। तो कुल मिला के ये मैसेज भी मैं आप लोगों तक पहुंचाना ही चाहता था। जुड़े रहे रासमन एक्सप्रेस से, धन्यवाद।